हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। परसों जो मैंने शॉप पे है ना, बहुत सारा झाड़ू और मिट्टी जो झाड़ी थी ना, तो सारी मेरे बालों में लग गई थी, तो मेरे बाल पूरे बंद गए थे। तो मैंने बालों में ऑयलिंग कर दी है, तो आज मैं बालों को करूँगी वॉश, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा अजीब से बालों के थे। मैंने कहा ऑयल कर देते, थोड़ा सही हो जाएगा। और काम वाली बाई, जैसे कि कल वाला व्लॉग तो एक्चुअली क्या मेरा थोड़ा सा सब डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट किया और पूरा दिन इतना अच्छे से हो भी नहीं पाया, क्योंकि मैं पूरा दिन काम में ही बिजी थी। तो कल क्या हुआ, मैं जल्दी उठ गई थी, तो उठ के मैंने सारा काम कर लिया और फिर हमारी काम वाली बाई गई। हो सकता है तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दूँगी इस व्लॉग में। काम वाली बाई आ गई, तो अब काम वाली बाई आई तो सारा काम तो हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सफाई करवा दूँ। तो पूरा फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सफाई करवाया, और आज काम वाली बाई आई ही नहीं। वो मुझे बोल के कि थी मैं कल आऊँगी, तो मैं उसी के भरोसे से सुबह बैठी हुई हूँ। तो 10:30 हो चुके, क्योंकि मैं मेरे बाकी के काम कर रही थी, मेरे यूट्यूब के और ऐसे काम कर रही थी, तो अब मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। फटाफट से मैंने अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े भिगाए हैं, और अब घर में मैं चारों तरफ साफ़ सफाई कर रही हूँ। एक बार अब मिट्टू का पिंजरा साफ़ कर दूँ, फिर बाकी की साफ़ सफाई करूँगी। मिट्टू का पिंजरा एक बार साफ़ हो जाएगा तो मेरे पूरे घर में झाड़ू लगाने में सही रहेगा। और आज हमको उदयपुर भी जाना है, सब काम पे काम बहुत ज़्यादा आ गए, और एक तरफ मुझे खाना भी पकाना है। तो अब मैंने मेरे कैमरे का ट्राइपॉड लगा दिया, और मिट्टूज अब तुम्हारे घर की सफाई होगी, क्योंकि जो कि तुमने पुल कबाड़ा करके रखा है। आज तो मेरे साथ सुबह सुबह उठते में क्या कांड हुआ है ज़बरदस्त वाला। मैंने पूरे घर का काम कर दिया, झाड़ू पोछा, स्टैंड साफ़ करना, कपड़े एक तरफ धुल रहे हैं, बाहर भी झाड़ू पोछा कर दिया, और फिर हमारे काम वाले भाई आए। तो अब इन काम वाले भाई से मैं करा रही हूँ अभी यहाँ पे सफाई। ललिता भाई, तुम रोज आओगे हमने? मेकअप तो बराबर करो तुम्हें। डाइनिंग टेबल साफ करे तो मैं पूरा डाइनिंग टेबल नो कचरो कर दी दू तुम्हें। मस्ती नहीं, चुपचाप ऊपर चढ़ जाओ। खत्म कर दिया इन्होंने। छी, पोटी आ गई। अरे यार मिट्टू, तू पिंजरा साफ नहीं करने देगा फिर खाना कैसे मिलेगा तेरे को? Thank you.
जयपुर जाने के लिए मैं खाना नहीं बना पाई, बाकी कपड़े मैंने धो दिए, किचन भी क्लीन कर दिया, झाड़ू लग गए हैं, पूजा भी हो गई है। पूजा रह रही थी फिर फटाफट मैंने पूजा की, सॉरी भगवान जी आज तो मैंने जल्दी जल्दी में ही पूजा की है। यहाँ पर बैग ले लिया है, कहीं एक दिन रुकना भी पड़ जाए। यहाँ पर मेरा पर्स ले लिया है, यहाँ पर जो सूट मेरे पास आए थे वो ले लिए, और चिकू का कॉल आ रहा है। थोड़ी आगे लो, यहाँ गोबर है। क्या हुआ? वाह ठीक है, मैं दुकान में ही आ जाती हूँ। घंटा नहीं हुआ? एक घंटा हुआ ना? नहीं नहीं अभी एक घंटा नहीं हुआ। अच्छा तो हम 12 बजे के फ्री हो गए थे, फिर चिकू को शॉप पे काम आ गया तो चिकू चले गए शॉप पे, तो एक घंटा वहाँ पे निकल गया। तो हम फिक्स अभी 1 बजे निकले हैं उदयपुर के लिए। चलो बस अपना काम हो जाए एक दिन में पूरा। 12:41 पे गए? 12:41 पे गए? 20 मिनट। ओके हम उदयपुर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, चिकू के कुछ ना कुछ काम निकल ही रहा था उदयपुर आने के बाद भी, और मुझसे एक आध गलती हो गई। चिकू ने बोला था मेरा हैंडबैग लेके आना, मैं सब कुछ लेके आई, हैंडबैग भूल गई और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब कोई नहीं, सब काम निपट गया, वो निपट गया है। अब सॉरी यार चिकू इतनी बड़ी गलती के लिए, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी ऐसी गलती। नेक्स्ट टाइम मैं तेरे भरोसे रहूंगा, मेरा काम आप मेरे भरोसे ही नहीं रहोगे, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। अरे यार बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ मैं तो। अभी हम खाना खाएंगे और खाना खा के फिर जाएंगे बिना जी के घर पे, आगे का काम वहाँ पर जाके चालू हो जाएगा। पार्क से की खुशबू रही नीचे तक। मेरी फेवरेट जगह पर खाना खाने के लिए, आपने देखा भी होगा कितना मस्त व्यू है वहाँ से। बहुत टाइम बाद खाना खाया, मज़ा आ गया। और इसकी लिफ्ट मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ऊपर कांच जैसी है। ग्राउंड पे जाना है ना? कुत्ते से सावधान। अरे कुत्ता नहीं लिखना चाहिए था, बनी से सावधान ऐसे लिखना चाहिए था। बनी कौन है? हनी हो जाता। हम आके बिना दी के घर पे, और ये वाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा क्यों ना पहन के देखूं। तो कृपया करके पूरा इसका लुक दिखाएं। 150 रुपया लेगा? बिल्कुल ले लेना। और इसमें सेम एक कलर और है, ये बेज कलर है, इसके अंदर पिंक कलर एक और है, वो भी मैं आपको बताते हैं। हाँ, मैं भी ये दिखा देती हूँ। ओ आगे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी है ना। हाँ वो तो फोटो हमारे इतने इतने खींच लो ना, हमारे स्पॉट से डालने काम आएंगे। नम्मा ऐसा तो आप कोई काम करने जाती नहीं हो, कपड़े पहनने तो ऐसी गई, पता भी नहीं पड़ा कि कब चली गई। अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, पतले भी लग रहे हो आप तो बहुत। तो अभी हम सब काम करने बैठ ही रहे थे, फिर हमने सोचा क्यों ना फोटोशूट किया जाए। तो फोटोशूट हम नॉर्मली नीचे रख के अलग अलग बैकग्राउंड्स पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, पर हमने सोचा कि हम खुद पहन के एक बार ट्राई करते हैं। तो पहन के हमने जैसे ही करना चालू किया, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आ रहे फोटोज़। तो एक सूट बिना दिन पहना है, उसका ही सेम पीस मैंने पहना है। तो उधर चिकू कर रहे हैं फोटोशूट, उधर हो गए। तो अब हम सब हमारे काम पर लग चुके हैं, तो यहाँ पर से होते होते हम काम कर रहे हैं और बनी यहाँ पे मस्ती करने आ गया है। अभी बिना दी कहेगी ये हंसता है। लाओ यार पानी पी लो, सकते बनी जाओ पानी लेके आओ। बाप रे,
काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा सा काम और बाकी है, तो हमने सोचा क्यों ना खाना खा के फिर काम करने बैठते हैं, ताकि थोड़ी पेट पूजा हो जाएगी तो काम करने में मजा आएगा। नया स्टॉक है, काम हमारा कंप्लीट हो गया है और बस अब हम थक गए, 12 बज गई है तो सो जाते हैं। यहाँ तक ब्लॉग देखने के बाद आपको अच्छा लग गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, बाय बाय।